अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हो गए खत्म। कल का दिन है, कल का दिन बहुत अहम दिन है और निगरान हुकूमत के अंदर होते हुए और वजीर तालीम उसको इतना इख्तियार नहीं कि जो केस जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसको कैंसिल किया जाए। प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता लेकिन केस मुलतवी हो सकता है, श्योरिटी है। और कल का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लाजमी कल आ जाए। और काफी दोस्तों ने कहा कि जो निगरान हुकूमत ने कहा था कि हमें ये प्रोजेक्ट दिया जाए तो हम एक बखूबी थर्ड पार्टी से लेंगे टेस्ट को, लेकिन उसके पास इतना अख्तियार नहीं है कि इसको कैंसिल करवाए। प्रोजेक्ट हो तो कैंसिल नहीं होंगे आप लोगों की पोस्टें, लेकिन मुलतवी हो सकती है। मुलतवी होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि मैंने कल कहा था कि नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता चांसेस है कि हो जाए, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं कि नहीं हो। तो आप लोग कल लाजमी आ जाए और आप लोग सिर्फ आ सकते हैं, रशकश लगाए, इफेक्ट पड़ेगा थोड़ी। और काफी दोस्त जो मौजूद है कोयटे में उनसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, आ जाए लाजमी। और जो नहीं आ सकते नो इशू, इतना बड़ा मसला नहीं, मसला तो जजेस करेंगे, मसले का जो आत्मी फैसला है वो कल देंगे। अच्छी उम्मीद है, मैंने कल भी कहा था, लेकिन काफी दोस्तों ने कहा कि क्या पोस्टें कैंसिल नहीं होंगे, अलबत्त केसेस जो है मजीद मुलतवी हो सकता है क्योंकि ये हमारे जो जजेस साहबान है या बाजिद खरोची है या सारे गवर्नमेंट है तो ये आपस में मिल गए तो पॉसिबल है कि इसको कैंसिल किया जाए, मजीद मुलतवी किया जाए। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है कि करे क्योंकि उन्होंने बहुत इसको मुलतवी किया है, अब मजीद उनको मुलतवी करके हमें क्या पैगाम देंगे। तो अच्छी उम्मीद है कल के लिए, और 12 घंटे रह गया है या 15 घंटे रह गया है, और आपको कल इंशाल्लाह इस टाइम आपको अच्छी खुशखबरी देंगे। जो भी हो गया अदालत के अंदर जो हुआ और बाहर जो फैसला आएगा उससे रिलेटेड हम आपको लाजमी आगाह करेंगे, आप भी तो आगाह होंगे। और काफी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, पेजेस को भी लाइक किया है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अलबत्ता हम कोशिश करेंगे कि हमें जो वो आउटपुट मिल जाए, वो रिजल्ट हमें मिल जाए, ताकि हमारे जो जितने भी कुलीग, जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स है उनको हमें एक पॉजिटिव खुशखबरी दे, एक जबरदस्त खुशखबरी दे, ताकि वो भी खुश हो जाए, ताकि हम उनको मुसलसल खुशखबरियाँ काफी कोशिश किए कि दे उनको, लेकिन खुशखबरी नहीं आ रहा असल सोर्स से। तो इंजन से मीन्स जहाँ से बिजली आती है वहां से, मतलब बिजली नहीं है तो आसपास जो ग्रेड हुए तो बिजली कहाँ से आएगी, तो इंजन इनका खराब है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से कल आ जाए लाजमी, और अच्छे उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह आप लोग अपने लिए दुआएं भी करें केस, ताकि अल्लाह जजेस साहबान को हिदायत दे इस केस को मजीद मुलतवी होने से बचाए। बाजिद खरोटी ने कहा कि बस शायद क्योंकि ये धंधे है और ये जब पैसा चीज है वो जब मिल जाता है इंसान को वो फिर कुछ भी कर सकता है, तो सारा खेल पैसे का है। और इंशाल्लाह ताला काफी उम्मीद है कि अक्सरियत को पैसा मिल गया है और चांसेस है कि केस को खत्म किया जाए। 100% चांसेस नहीं लेकिन मुलतवी भी कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है। अलबत्ता ऐसे फीडबैक मुझे मिल रहा है और कल भी किसी रब्ता हुआ है कि उनका कहना था कि पॉसिबिलिटीज है कि ये केस को मजीद मुलतवी करे, और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि इस केस को खत्म किया जाए, लेकिन उसका ज्यादातर मेजोरिटी इसका बातों का जो इशारा था कि केस को मुलतवी नहीं करेंगे और आप लोगों को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह ताला कल। अपना रखिए ख्याल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह।